हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, नमस्ते। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कतर के रोड के जो ब्रिज बने हुए हैं उसके नीचे का जो एरिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जब ये जो रोड खाली होते हैं इसके नीचे कोई अपनी रेड़ी लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। ऐसा नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कितने साफ़ सुथरे रोड हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिजिस हैं। ये ब्रिजिस के नीचे कितना साफ सुंदर एरिया है। ये देखिए, हम कृपया करके अपने इंडिया को भी ऐसे ही साफ़ सुथरा रखें जैसे यहाँ पर आप आते हो तो कितना साफ़ सुथरा रखते हो, ठीक है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा एरिया है। यहाँ पर एक थोड़ी सी भी गंदगी नहीं है। मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं थोड़े थोड़े दिनों बाद करता हूँ। मुझे इतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जितनी भी आती है मैं अपनी ओर से कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप इस देश में आ सकें और यहाँ की नॉलेज यहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, ताकि आप इंडिया में जाके कोई प्रॉब्लम ना करें, वहाँ इसी के हिसाब से कानून फॉलो करें। क्योंकि इंडिया के भी कानून अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि ये बुरे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते। इसलिए भाई कुछ समझो, अपने इंडिया का कानून भी ऐसा ही फॉलो करो यहाँ जैसे यहाँ पर आकर करते हो, ठीक है ना भाई। अब हम अभी आए हैं यहाँ का कतर फीफा वर्ल्ड कप देखने, जो अभी 18 नवंबर से शुरू होगा। वो आज नहीं है, लेकिन हम अभी कंपनी के अकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आपको दिखाते रहेंगे। थोड़े थोड़े दिनों में मैं थोड़े थोड़े ब्लॉग डालता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।